प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे कि जो जुआ खेलने वाले हैं वो महामूर्ख क्यों है। वाई आर द गैम्बलर्स फूल। गैम्बलर्स कोई भी हो जो ताश के पत्ते खेलता है, लाटरी डालता है या इससे भी अधिक सट्टा बाजार में सट्टा लगाता है, वो मूर्ख कैसे है? कोई भी गैम्बलर है वो ये चाहता है कि कम पैसे लगाकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए। उसको इस बात का पता नहीं कि धन क्या होता है, धन कैसे प्राप्त किया जाता है और धन का क्या इस्तेमाल किया जाए। ये तीन बातें हैं उसको नहीं पता। वो चाहता है कि मैं 100 रुपया लगा दूं और उसके मेरे को 1 लाख बन जाए। 100 रुपया लगाया और 1 लाख की वो कामना करता है, ये डूब गया। तो उसने आगे लगाया 1,000, 1,100 हो गया। तो इससे चाहता है वो 10 लाख। अब उसकी यह कामना अपने खून पसीने की जो कमाई थी से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं धन क्या है। धन क्या चीज है? व्हाट इज वेल्थ? व्हाट इज वेल्थ? अगर हम इकोनॉमिक्स का सिद्धांत समझें तो धन क्या चीज है? धन भौतिक संसाधनों का संयोग है, जिसमें कैश भी आ सकता है, आपकी बिल्डिंग आ सकती है, ठीक। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है, वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल का मतलब है आपके कर्मचारी, इंप्लॉइज। आपके पास कैश है तो वो आपका वेल्थ है, आपके पास बिल्डिंग है वो आपका वेल्थ है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल है वो आपका वेल्थ है। मान लो आपके पास कैश नहीं है, आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, तो भी आप बहुत ज्यादा वेल्थ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अच्छे कर्मचारी है जिसको ज्ञान है, विज्ञान है। तो धन प्राप्त कैसे किया जाए, अब इसके बारे में जानेंगे। जो धन है ना, वो असल में प्राप्त किया जाता है बुद्धि से। बुद्धि से धन को प्राप्त किया जाता है। बुद्धि का मतलब ये है कि किसी काम को सीखना। एक व्यापारी है, जब अच्छा व्यापार करना सीख जाता है, अपना सामान अच्छी तरह से बेचना सीख जाता है, तो उसकी दुकानदारी चल जाती है, तो वो धन प्राप्त कर सकता है। वो कैश प्राप्त कर सकता है, वो बिल्डिंग प्राप्त कर सकता है, वो ह्यूमन कैपिटल प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, जब डॉक्टर का काम सीखता है तो वो उससे अपने पेशेंट्स का इलाज करता है, अच्छी सर्विस देता है, तो वो धन प्राप्त कर सकता है। तो धन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य को सीखना चाहिए। जो जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा उसे धन की प्राप्ति होगी। इसमें एक कमी क्या रह गई कि गैम्बलर जो है अपने आप को स्मार्ट समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। ये उसकी कमी है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि वो बुद्धिमान है। वो सोचता है कि मैं 100 रुपया लगाऊंगा, 1 लाख बन जाएगा। और मैथ का जो सिद्धांत कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया है और मान लीजिए कि 10 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, उसमें से आपका एक नंबर आना है, यानी 1/10, यानी आपके पास 1/10 कितना हो गया, गुना 100। 10% चांस है किसी चीज का आने का, यानी ज्ञान प्राप्त करने से 100% चांस है। मान लो एक डॉक्टर है, अच्छे तरीके से पेशेंट का इलाज करता है, तो उसके पास धन आने के 100% चांस है कि पेशेंट अपने इलाज के बाद धन देगा। एक
गैम्बलर जो 100 रुपए लगा रहा है वो 10 में से एक नंबर आएगा, उसका सिर्फ 10% चांस है। कितना महामूर्ख है कि 10% के लिए 100% वाला ज्ञान नहीं प्राप्त करता। डॉक्टर का काम सीखे, इंजीनियरिंग का काम सीखे, अच्छा अध्यापक बन जाए। है एक विद्यार्थी अपने गुरु को कोई ना कोई गुरु दक्षिणा देता है, तो बहुत सारे चीजें हैं जिसको वो सीखे और 100% उसका चांस है, 100% चांस है कि उसको वेल्थ प्राप्त होगी। इच्छाएं रखना बुरी बात नहीं है, धन जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा धन बढ़ता जाएगा। एक अध्यापक उसके पास एक स्टूडेंट है, एक अध्यापक है उसके पास 1,00,000 स्टूडेंट है, एक अध्यापक है पूरे विश्व को सिखा सकता है। तो हर एक स्टूडेंट उसको 1-1 रुपया भी दे तो कितने बिलियंस उसके पास धन आ जाएगा सिर्फ ज्ञान से। 100% उसको चांस है कि धन आएगा। अब आगे आ जाइए धन का इस्तेमाल, हम धन को कैसे इस्तेमाल करें। एक गैम्बलर की सबसे महामूर्खता यह है वो सोचता है सिर्फ धन प्राप्त कर लूं, उसका इस्तेमाल नहीं सोचता। एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है हे परमात्मा मुझे धन दे, पर मेरा ये उद्देश्य है कि मैं लोगों के लिए उपकार के लिए इसे इस्तेमाल करूं, लोगों के कल्याण के लिए इसे इस्तेमाल करूं। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, जो धन आपके पास आता है उसके 3 इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 1, पहले आपकी बेसिक नीड्स, आपकी बेसिक नीड्स। मान लो आपको रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं और एक मकान चाहिए जहां आप रहते हो सोते हो। 3 चीजें आपकी बेसिक नीड है, इसके लिए आपको धन चाहिए। ओके, नंबर 2 पे आ गई सेविंग। सेविंग का मतलब होता है लाइफ में रिस्क है, आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको धन की आवश्यकता है, आपने अपना इलाज कराना है, आपका काम जो चल रहा है किसी दूसरे के रीजन के कारण, कोई आदि भौतिक आदि दैविक दुर्घटना हो जाती है, भूकंप आ जाता है जिससे आपके संसाधन का नुकसान हो जाता है, उसके लिए आपको सेविंग चाहिए जिससे आप अपना कार्य पुनः स्थापित कर सकें। तो बेसिक नीड के लिए धन चाहिए, आपको सेविंग के लिए धन चाहिए। 3rd जो धन की आवश्यकता है वो है दान, डोनेशन। आज मेरे पास एक फोन आया जिसमें एक बच्चा है थैलेसीमिया का मरीज है, उसे 15,00,000 रुपए चाहिए। तो अगर आपके पास धन है, मैं धन कमाऊं तो किस लिए, ये अगर मेरी नीड कंप्लीट हो जाती है तो मैं धन कमाना चाहता हूं दान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। कोई पेशेंट है उसके पास धन नहीं है, उसके इलाज के लिए धन चाहिए। कोई बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए धन चाहिए। तो ये मेरी भावना है, इसके लिए धन चाहिए। और जो ये जुआ खेलने वाले हैं उसकी बुद्धि का विनाश हो गया है, तो वो महामूर्ख हैं, उन्हें ये नहीं पता कि धन क्यों चाहिए, आवश्यकता क्या है। इन आवश्यकताओं के लिए हमें धन चाहिए, इससे अधिक कुछ भी धन नहीं चाहिए। तो जितने भी जुआ खेलने वाले हैं उनसे मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि इस कार्य को छोड़ दीजिए, ये जो कामनाएं हैं हम करते हैं ये छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका चांस बहुत कम है, बहुत कम है। मान लो अभी तो ये छोटी सी बात है, मान लो कि आपका 1 बिलियन का लॉटरी है जिसकी कीमत $1 है, तो जो भी व्यक्ति आपको 1 बिलियन देगा तो उन्होंने अपने टिकट्स को बेचना है, तो हो सकता है 100 बिलियन लोगों को उसने टिकट बेचे। तो 1 बिलियन बटा 100 बिलियन, तो आपका 1% चांस हो गया कि आपकी लॉटरी का नंबर निकलेगा। तो जितने जितने लोग ज्यादा डालेंगे लॉटरी, आपका जो चांस है वो कम होता जाएगा, आपकी जो उम्मीद है ना वो कम होती जाएगी। इससे अच्छा ये है कि अच्छा ज्ञान प्राप्त कीजिए, किसी भी क्षेत्र में हो, लाखों क्षेत्र हैं, विज्ञान है, साहित्य है, ठीक है, कला है, उसमें अपने आप को परफेक्ट कीजिए, तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, परमात्मा कहता है कि 1,000 हाथों से कमाइए और 1,00,000 हाथों से दान कर दीजिए। तो आइए इसी उम्मीद के साथ मैं एक कामना करता हूं, इच्छा करता हूं कि जितने भी गैम्बलर हैं वो इस मूर्खता को त्यागेंगे और अपना जीवन
ज्ञान को प्राप्त करने में तथा अपने जीवन दूसरों के उपकार के लिए लगाएंगे। धन्यवाद।